जय श्री राम। हमने फिर आज एक क्रॉम्पटन का मोटर वाइंडिंग किया है। जैसे आपको क्रॉम्पटन का मैं इसका मिनी समुद्री 2 इसका मॉडल नंबर हो जाता है। जैसे आपको थोड़ा सा मैं दिखाने का प्रयास करूंगा कि आप देखना इसमें मिनी समुद्री 2 नंबर की टैग लगी है। आरपीएम की बात करूँ तो इसका 2880 के साथ इसका आरपीएम आता है। और कैपेसिटर की बात करूँ तो 10 FMD का कैपेसिटर लगा रहता है। भाई साहब मोटर देखने में छोटा है लेकिन इसका मतलब बात करें तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग टाइप इसकी वाइंडिंग है। चलिए आज की इसके मैं पूरे वाइंडिंग के बारे में बात करूंगा। सर प्रथम आपका थोड़ा सा इनर डाई आउटर डाई के बारे में बात कर लेते हैं क्योंकि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अगर आपके पास भी इस डाटा में किसी भी तरह की मोटर आती है तो उसको आसानी से आप वाइंडिंग कर सकते हो। सर प्रथम इनर डाई की बात करते हैं। इनर डाई आउटर डाई इसका सारा दूसरे मोटर से इसका थोड़ा सा हटके है क्योंकि आप देख सकते हो इसकी स्टार्टर की जो साइज़ है काफ़ी छोटी है, मोटर का भी साइज़ काफ़ी छोटा है। जैसे आप इसका गोलाई आकार देख सकते हो काफ़ी छोटी है, लेकिन इसकी ताकत की बात करूँ भाई साहब काफ़ी चौड़ी मतलब काफ़ी ताकतवर मोटर है। सर प्रथम इसका स्टैम्पिंग जो कॉयल की मतलब स्टार्टर की जो मोटाई होती है, मोटाई की बात करूँ तो 2 इंच 1 mm की इसकी पूरी मोटाई हो जाती है। ऐसे बात करूँ पूरे स्टार्टर की मोटाई का तो 2 इंच 1 mm की इसकी पूरी स्टार्टर की लेंथ होती है जो कि काफ़ी हाई रूप से होती है। उसके बाद बात करूँ इसका आईडी का तो मतलब इनर डाई का जितने दूर में आपका मोटर रोटेशन करता है मतलब रोटर रोटेशन करता है उसका बात करूँ तो 1.5 इंच 2 mm की हो जाती है, यानी कि 1.5 इंच 2 सूत की हो जाती है इसकी बीच की डिस्टेंस। पूरी स्टार्टर का बात करूँ यानी कि ओडी का पूरा बाहर का तो 3.5 इंच परफेक्ट रूप में होती है। आरपीएम की बात करूँ तो 2880 की हो जाती है। कैपेसिटर आपका 10 FMD का लगा रहता है। चलिए बात करते हैं इसका रनिंग और स्टार्टिंग दोनों के बारे में। मोटर का वैल्यू का बात करूँ तो 0.5 HP की मोटर रहते हैं 0.37 kW और 0.5 HP ये मोटर हो जाती है, मिनी समुद्री हो जाती है। चलिए सर्वप्रथम कॉयल के बारे में बात करूँ तो कॉयल के लिए इसमें आपको रनिंग के लिए टोटल इसमें कॉयल बनाए गए हैं आपका 8 कॉयल बनाए गई हैं, 4 इधर और 4 इधर, और स्टार्टिंग के लिए आपका इसमें 4 कॉयल बनाए गए हैं, 2 इधर और 2 इधर बनाए गए हैं। सर्वप्रथम रनिंग के बारे में बात करते हैं तो रनिंग कॉयल के लिए आपको लेना होगा 25 नंबर कॉपर कॉयल और पर कॉयल टर्न का बात करूँ तो 65 65 65 65 डालना होगा, यानी कि पर कॉयल टर्न 65 का होगा। चारों सेट में आपका 65 65 का ही डलेगा, पर कॉयल टर्न 65 होगा, SWG 25 होगा। तार का वेट का बात करूँ तो 325 ग्राम कॉपर कॉयल लेनी होगी जो कि काफ़ी परफेक्ट रूप से होती है। कॉयल पिच का बात करूँ तो 1 से 6 1 से 8 1 से 10 और 1 से 12 में इसकी चारों की चारों कॉयल बैठती है। बीच में आपको 4 कॉयलें गैप छोड़नी होगी, जैसे मैंने आपको बताया 1 से 6 1 से 8 1 से 10 और 1 से 12 में इसकी पूरी कॉयल पिच आती है। और फिर से मैं बता दूँ रनिंग कॉयल के लिए इसमें लेना होगा 25 नंबर कॉपर कॉयल। तार का वेट का बात करूँ तो 325 ग्राम लेना होगा, पर कॉयल टर्न आपका 65 का होगा और इसका मतलब पिच का बात करूँ तो 1 से 8 1 से 10 1 से 12 की इसकी कॉयल पिच बैठती है। बात करते हैं स्टार्टिंग कॉयल का तो स्टार्टिंग कॉयल के लिए आपको इसमें लेना होगा 29 नंबर कॉपर कॉयल। तार का वेट 175 ग्राम होगा, पर कॉयल टर्न 125 का होगा जो कि 4 ही कॉयल बनेगी, 2 इधर और 2 इधर बनेगी, तो 2 सेट में जो होगा 125 125 का ही कॉयल डालना होगा इसमें। पर कॉयल टर्न आपका 125 का होगा, तार का वेट आपका 175 ग्राम कॉपर कॉयल और 29 नंबर SWG लेनी होगी जिससे आपको स्टार्टिंग और रनिंग दोनों क्लियर होती है। चलिए अपने डाटा मेंशन में दिखा देता हूँ तो ये हमारी डाटा मेंशन हो जाती है। जैसे आप देख सकते हो क्रॉम्पटन मिनी समुद्री 2 0.73 मतलब इसका पूरा वैल्यू, और ये हो जाती है आपकी स्टार्टिंग कॉयल। स्टार्टिंग कॉयल के लिए मैंने देखो इसमें आपको 225 एक स्लॉट में आपका 120 निकला, एक में 126 निकला, तो हमने क्या किया 125 टर्न इसका कर दिया फिक्स चारों के चारों सेट में। SWG 29 होगा, तार का वेट 175 ग्राम लेना होगा और देखिए ये हो जाती है आपकी रनिंग कॉयल। तो रनिंग कॉयल के लिए जैसे मैंने आपको 65 65 टर्न का बताया, लास्ट में किसी में 70 टर्न हमको देखने को मिला तो हमको मायने नहीं रखता है, 65 65 जो टर्न मिला सेम टू यू हम वहीं डालते चले गए। SWG 25 नंबर लेना होगा, तार का वेट आपको 325 ग्राम कॉपर कॉयल लेनी होगी। जैसे आपका स्टैम्पिंग के बारे में बात किया तो 2 इंच 1 mm की हो जाती है। ओडी आईडी इसका 1.5 इंच 2 सूत की हो जाती है और ओडी आपका 3 इंच परफेक्ट रूप से हो जाता है। आरपीएम आपका 2880 हो जाता है और आपका कैपेसिटर 10 FMD का हो जाता है। अगर आपके पास भी मिनी समुद्री है या आपका इस डाटा में कोई और भी मोटर है तो आसानी से इस डाटा को उसमें फिल कर सकते हो। मैं आशा करता हूँ कि छोटी सी नॉलेज आपको अच्छे से समझ में आ चुकी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं जानकारी के साथ, आपका भाई प्रिंस। जय श्री राम।